मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन आई न्यूज़। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से। अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं किया जाएगा। गौर करने वाली बात तो है कि 2017 के समय जब कांग्रेस के साथ अखिलेश ने गठबंधन किया था तो बहुत बड़ा नुकसान समाजवादी पार्टी को उठाना पड़ा था। इस बार कांग्रेस पार्टी को लेकर सख्त तेवर दिखाते नजर आ रहे। अखिलेश यादव का कहना है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी की जीत होगी, लेकिन बहुत बड़े हद तक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने इतनी स्थिति को मजबूत कर लिया जिससे साफ तौर पर यह पता चल रहा है कि बीजेपी कांग्रेस को टक्कर देती नजर आ रही है। अब यहां पर देखना यह होगा कि क्या वाकई में कांग्रेस बड़े अंतर से बीजेपी को टक्कर देगी। हालांकि अगर बात करें तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव बीते कुछ समय पहले रैली करते भी नजर आए थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में ना ही समाजवादी पार्टी का कुछ ज्यादा बोलबाला देखने को मिल रहा है, ना ही बसपा का। तो यहाँ पर योगी और सीधा प्रियंका का मुकाबला होता नजर आ रहा है। अगर उत्तर प्रदेश की जनता ने एक तरफा कांग्रेस के साथ वोट किया, कांग्रेस को समर्थन किया, तो इसका बहुत बड़ा हर फर्क जो है चुनाव पर दिखता नजर आएगा। और जाहिर सी बात है, अगर चुनाव पर असर पड़ेगा तो आने वाले समय के कई राज्यों में इसका फर्क दिखाई देगा। तो यहाँ पर अखिलेश यादव ने तो मना कर दिया, लेकिन प्रियंका गांधी ने चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी की स्थिति को इतना मजबूत कर दिया है कि शायद पार्टी को गठबंधन की जरूरत ना पड़े। लेकिन बहुत बड़े हद तक ये देखा जा रहा है कि प्रियंका ये कोशिश अभी भी कर रही है कि किसी एक राजनीतिक पार्टी के साथ गठबंधन हो जाए ताकि उसका फायदा प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मिल सके। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।